إِنَّا أَتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप आज इतवार वाले दिन तशरीफ लाए, और चूँकि इंतखाबात की कैंपेन अपने आखिरी लम्हात में है तो आप दिन रात उसमें आप बिजी हैं, मगर उसके बावजूद भी आप यहाँ पर तशरीफ लाएँ तो हम सब आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आज मैं कुछ संजीदा मामलात पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंतखाबी मुहिम के नतीजे में जो पाकिस्तान के आवाम बैलेट बॉक्स में अपने वोट के ज़रिए जो फैसला करेंगे उसका पाकिस्तान की मुस्तकबिल के हवाले से, चाहे वो तरक्की और खुशहाली का सफ़र है, चाहे वो इस मुल्क में गुरबत को कम करने का सफ़र है, चाहे वो तालीम इलाज मुआलजा, चाहे वो पाकिस्तान ने जो 76 साल में जो अरबों खरबों के जो कर्ज़े लिए हैं, चाहे वो नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का मामला है, करोड़ों बच्चे और बच्चियां ना सिर्फ इस इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं बल्कि मैं समझता हूं कि उनका मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आज इन हवालों से मैं चाहता था कि आपकी गोश गुजार कुछ बातें करूं। चंद दिन ये पोस्टपोन होता रहा, उसकी वजह ये थी कि हर दिन टीवी में देखते थे आज कोई फैसला आ रहा है, आज कोई फैसला आ रहा है, तो इसलिए इसको पोस्टपोन करना पड़ा। पहली बात तो ये है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। TI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट 3 दिन पहले आई है उसका जो नचोड़ है, उसके जो नताइज TI बर्लिन ने जो क्या मामला क्या हो गया जी, आप लोग कैमरे से जस्ट हैं, आप तो इलेक्शन और इलेक्शन के बाद से बराह रास्त है। मैं किसी माजी में तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ चंद बातें करूंगा इस हवाले से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब 1997 में पाकिस्तान की पहली मोटरवे का इफ्तिताह किया, जो उस वक्त शायद $1 अरब से बनी थी, 26 अरब रुपए, आज अगर वो मोटरवे बनानी पड़ती तो पता नहीं कितने 100 अरब लगता, ये एक अलग मामला है। तो शदीद इल्ज़ाम लगे और बाज़ लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। आप देख लें कि मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह आज लाखों लोगों को एक बेहतरीन कंफर्टेबल सफ़र मुहैया कर रही है, और जो इल्ज़ाम थे, चाहे कोई इस दुनिया से चला गया यहाँ पर है, वो कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। फिर जब नवाज शरीफ का 2013 से तीसरा बतौर वज़ीर आज़म इस मुल्क की खिदमत का सफ़र शुरू हुआ, तो उस वक़्त 2013 में जब नवाज शरीफ ने हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो पाकिस्तान के हवाले से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था, CPI जिसे कहते हैं, वो 139 पे पहुंच चुका था। आपको पता है कौन सी हुकूमत थी, नाम लेने की जरूरत नहीं,
जब इंतखाबात हुए तो किस हुकूमत से नवाज शरीफ ने वोट के जरिए हुकूमत हासिल की, 139 पर पहुंच चुका था। नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी हुई, चाहे वो सी पैक के मंसूबे हैं जिसके ऊपर उन 5 सालों में तकरीबन 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई, बिजली के मंसूबे लगे, पाकिस्तान के चारों सूबों में सी पैक कॉरिडोर्स बने, ऑरेंज लाइन लाहौर में पाकिस्तान की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन उसका आगाज हुआ, कोयले की बुनियाद पर बिजली के मंसूबे लगे। फिर नवाज शरीफ के उसी दौर में टू बी ऑन द सेफर साइड मजीद बिजली के मंसूबे गैस की बुनियाद पर लगाए गए, अरबों डॉलर पाकिस्तान के अपने वसाइल खर्च करके। तो अंदाजा करें कि ये अरबों खरबों की सरमायाकारी नवाज शरीफ के 2013 और 18 के दौर में हुई। आम मंतक ये है, जरूरी नहीं कि हर जगह ये मंतक फिट बैठे, लेकिन आम ख्याल ये है कि जहाँ पर सरमायाकारी होती है वहाँ पर करप्शन बाज़ ममालिक में बढ़ती है, और इसकी एक मिसाल नहीं, मैं कई मिसालें दे सकता हूँ। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि नवाज शरीफ के इस दौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी हुई, मगर करप्शन को एक शदीद ज़रब लगी इन 5 सालों में, और वो जो इंडेक्स CPI 2013 में पिछली हुकूमत ने छोड़ा था वो इंडेक्स कम होकर इन 5 सालों में 117 पे आ गया, यानी 23 पॉइंट्स, जी 22 पॉइंट्स की कमी उसमें आई, एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। आप पूछेंगे कि जब 97 में जब वो आपने TI का ट्रांसमिशन का हवाला क्यों दिया, तो मैं कतईत के साथ तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है उस पर TI इंटरनेशनल शायद इस तरह वजूद में नहीं आई थी जो कि पिछली दिहाई में या इन चंद सालों में आई है। ये एक बात आपको बताना चाहता। उसके बाद जो हुकूमत आई एक बदतरीन धांधली के जरिए और जादू मंत्र के जरिए जो हुकूमत आई, उसने क्या क्या नारे लगाए थे वो आपने वीडियोस देखी हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। क्या क्या इल्ज़ामात लगाए थे वो आपने तकारीर पढ़ी उनके बानी की, वो मुझमें नहीं जानना चाहता, लेकिन चंद बातें ज़रूर करना चाहता हूँ कि जहाँ पर करप्शन हो वो हुक्मरान चोर होता है, करप्ट होता है, जहाँ पर करप्शन कम होनी शुरू हो जाए, मैंने करप्शन के खात्मे का लफ्ज़ इस्तेमाल एहतियातन नहीं किया, इसलिए कि दुनिया के किसी माशरे में करप्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म आज तक नहीं हुई, हत्ता कि वो मुल्क नॉर्वे जैसा या डेनमार्क जो सरे फहरिस्त है सबसे कम तरीन करप्शन के हवाले से, वहाँ पर भी करप्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। इसलिए मैंने करप्शन की कमी की बात की है, खात्मे की बात नहीं की। तो कहना चाहता हूँ कि उस लीडर ने कहा कि जहाँ पर करप्शन कम हो वो हुक्मरान बड़ा दयानतदार और अमीन होता है, सादिक होता है। ये मेरे अल्फाज नहीं, नवाज शरीफ के अल्फाज नहीं, उस लीडर के अल्फाज हैं। और फिर आपने देखा कि जब 2018 में वो अपना दुपट्टे पहनाकर, क्या खास कहते पटके पहनाकर जब उनको जहाज़ों में लाद कर बनी गाला में ले जाया गया और हुकूमत मार्ज वजूद में आई, तो उन 4 सालों में 2018 अगस्त सितंबर में उनकी हुकूमत बनी, और 2022 11 अप्रैल तक जो उनका जो वक्त था आवाम की खिदमत करने का,
इस दौरान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं कि वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 117 पे आ चुका था नवाज शरीफ के पांचला दौर में, दोबारा शूट करके 140 पे पहुंच गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो इदारा कह रहा है जिसके बारे में बानी PTI खुद कहते थे कि करप्शन जहां पर कम होती है वो साधक अमीन होता है, करप्शन जहां बढ़ जाती है वो चोर और डाकू होता है। तो उनके दौर मैं उनको इन अल्फाज में मैं एड्रेस नहीं करना चाहता कि कम से कम हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये रिपोर्ट खुद पुकार पुकार कर कह रही है कि 4 साल में PTI के ज़माने में करप्शन दोबारा 140 पर चली गई, और जो इन 4 सालों में अवाम की खदमत करने के लिए उनके अपने दावों के मुताबिक कि 1 करोड़ नौकरियां उन्होंने देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, घर तो दूर की बात है एक ईंट नहीं लगाई, नौकरियां दूर की बात है, उन्होंने बेरोजगारी में बेपना इजाफा किया। आप जानते हैं कि गंदम एक्सपोर्ट की गई, फिर गंदम इंपोर्ट की गई, चीनी बेची गई माफिया के हाथों, उन्होंने अरबों रुपए उन्होंने उसमें बटोरे, अपनी जेबों में डाले, डॉलर और रुपए की जो कदर थी वो वैसे ही रुपया नीचे जा रहा था, उससे अलहदा विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए उनको, उन जो कार्टल्स थे एक्सपोर्टर्स थे जो भी थे जिनके पास चीनी पड़ी थी, फिर चीनी इंपोर्ट की, ये अरबों डॉलर पाकिस्तान के इस तरह बर्बाद किए गए। ये सारे वाकयात आपके सामने, और एक रात अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि मैंने कमीशन बना दिया है, जिन्होंने चीनी और गंदम में गड़बड़ की उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, जो उनका एक तकिया कलाम था। आज तक ना वो रिपोर्ट आई ना किसी को पकड़ा गया। कहने का मकसद यह है कि नवाज शरीफ के दौर में PKLIs बने, नवाज शरीफ के दौर में सवात में वो नवाज शरीफ फाउंडेशन हॉस्पिटल बना, नवाज शरीफ के दौर में मुल्तान में चिल्ड्रन अस्पताल बना, नवाज शरीफ के दौर में आपने फैसलाबाद में चिल्ड्रन अस्पताल बना, यूनिवर्सिटियाँ बनी, अरफा करीम सेंटर बने, लाखों लैपटॉप दिए गए, अरबों रुपए के तालीमी वज़ायफ दिए गए, सड़कों का जाल बिछाया गया, 100 अरब से पक्कियाँ सड़कें थे, 100 के पेंडे के हज़ारों किलोमीटर ये देहातों में अपना ये सड़कें बनाई गई किसान के लिए। नवाज शरीफ के दौर में खाद किसान को सस्ती दी गई, नवाज शरीफ के दौर में ट्यूबवेल की जो किसानों के ट्यूबवेल थे उनके ऊपर बिजली के ऊपर मद में सब्सिडी 1 अरब रुपए की दी गई। ये अरबों खरबों, और उस दौर में करप्शन कम हो, और अगला 4 साल बानिए PTI के दौर में एक ईंट न लगे, गारा न लगे, दवाई ना मिले, मरीज सजक सजक कर मर जाएं, जो अद्वियात फ्री अस्पतालों में मिलती थी वो बंद कर दी गई, PKLI को बर्बाद कर दिया गया, और हेपेटाइटिस के सेंटर्स जो पूरे पंजाब में बनाए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया, और उसके बावजूद भी करप्शन जो है वो दोबारा 117 से 140 पर चली गई। ये है वो संजीदा गुफ्तगू जो मैं आज आपसे करना चाहता था कि अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। उसके बाद आपको पता है मैं नवाज शरीफ की क़यादत में, मुझे जब 13 जमातों ने मुंतखब किया बतौर वज़ीर आज़म, तो आप जानते हैं कि सैलाब बदतरीन सैलाब आए, 100 अरब रुपया वफाक ने तकसीम किया, 100 अरब रुपया 4 सूबों में, बाहर से बेपना बरादर ममालिक से दोस्त ममालिक से इमदाद आई उनको तकसीम किया गया, आटा पंजाब में मुफ्त तकसीम किया गया, सरहद में मुफ्त तकसीम किया गया, इसके अलावा जो भी तरक्याती काम थे चाहे गवादर के हों चाहे इस्लामाबाद के अंदर वो मेट्रो चलें, और अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद 13 हुकूमती 13 पार्टीज की ये
एक कोलिशन थी जिसका मैं वज़ीर आज़म था, तो अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जो इमरान नियाजी के दौर में इंतहा को दोबारा पहुंच चुका था 140 पे, वो कम हो के एक साल में वो 133 पे आ गया, 133 पे आ गया। तो मैं एक लतीफ़ अंदाज में ये भी कहना चाहता हूँ कि डार साहब के पहले उस दौर में जो 5 साल दौर है 22% कम हुआ, तो वो सालाना उसकी औसत बनती है 4.5% या 4.5%। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी हुकूमत आई तो वो 7% एक साल में थी, तो डार साहब ने उस पर मज़ीद इजाफा कर दिया। नवाज शरीफ को उसका क्रेडिट जाता है, 13 पार्टीज को उसका क्रेडिट जाता है। कहना चाहता हूँ कि चोर चोर और डाकू डाकू का व्यर्थ करके इस मुल्क के अंदर वो जहर घोला गया है, वो इस मुल्क के अंदर बदतमीजी का तूफान उठा है कि जिसको अब संभालना एक कार्य दारत है। जिस मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली नहीं होती वहाँ पर इंस्टेबिलिटी होती है, वहाँ पर पायदार अपना आपको मौका नहीं मिलता। तरक्की और सियासी इस्तेकाम जुड़े हुए हैं। इस तरह की बदतरीन इल्जामात की बौछार करके उस ज़माने में खुद PTI ने किया और साथ कुछ कुवतों ने उसको साथ अपनी कुवत के साथ उसमें और बढ़ोतरी की और आज हालात यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं आपको इब्तदाइयन ये बात करना चाहता था कि ये वो सूरत हाल है। और मैं यहाँ पर एक आध बात और करूँगा, फिर आप से कुछ सवाल होंगे तो मैं ज़रूर लूँगा कि आप जानते हैं, और ये बग़ैर खुद नुमाई के मैं पहले भी कह चुका हूँ अब फिर कहना चाहता हूँ कि ये एक साल में ये जो हमारी हुकूमत की जो भी कारकर्दगी वो कौम के सामने है, कौम ने फैसला करना है, मैंने नहीं करना, आपने फैसला करना है। उसमें जो करप्शन में कमी आई 7%, इसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता, इसका क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है और 13 पार्टीज की कोलिशन के सरबराहान को जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है और सबको जो पूरी कैबिनेट है उनको जाता है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर आज फिर ये भी बात बताता चलूँ कि ये बात आज रेलिवेंट है कि किस तरह जब नेशनल क्राइम्स एजेंसी की क्लीन चिट हमें मिली तो किस तरह मजाक उड़ाया गया कि जनाब ये फलां है, पहले कहा कि तो शहबाज शरीफ का तो इसमें नाम ही नहीं, तो सलमान शहबाज शरीफ का, भाई सलमान शहबाज शरीफ तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, पॉलिटिक्स तो मैं हूँ, अगर सलमान शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई तो मेरे खिलाफ फिर बात बाकी रहती नहीं, क्योंकि हुकूमत मैं था या सलमान शहबाज शरीफ था। तो कहने और फिर अपना तोड़ मरोड़ के मैं उस दर्दनाक बातों में नहीं जाना चाहता। और फिर वो जो कौन था जो मैं एक वकील था जिसने मियाँ साहब के बारे में कहा कि मुझे कावे मूसवी जो बरतानिया में, उसने कहा कि ये जो इल्ज़ाम थे कि नवाज शरीफ ने सिंगापुर में $1 बिलियन ले गए, ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद इल्ज़ाम था। और मैं यहाँ पर अपना मामलात को मज़ीद पचीदा नहीं करना चाहता, ये इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगे थे, ये इल्ज़ाम फैलाए गए थे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और फिर इसी में ये भी इल्ज़ाम था कि चीनी मंसूबों में 45% कमीशन, ये तो मुझ पर डायरेक्टली लगा कि शहबाज शरीफ ने खाई है कमीशन। और भाई साफ पानी से आशियाना में मुझे गिरफ्तार करते हैं, दो मरतबा अपने अकूबत खाने में रखते हैं, नवाज शरीफ को रखते हैं, उसकी बेटी को रखते हैं, इनको रखते हैं, हमजा को रखते हैं और हमारे साथियों को जेलों में डाला जाता है। तो अगर चीनी मंसूबों में 45% कमीशन अगर खुदा ना खास्ता खाई होती तो मैं आज आपके सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता? और फिर चीन को किस तरह बदनाम किया गया। और ये बात खाली ये नहीं कि इससे साफ जाहिर है कि कितने संगीन इल्जाम लगाकर पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात को बुरी तरह मजरू करने की एक कभी साजिश की गई। और फिर आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहीं लाहौर हाई कोर्ट में इसी ऑरेंज लाइन के बारे में
एक साल केस चला यहाँ पे, वो सब तफसील आपको इल्म है। 300 सफ़े का उन्होंने फैसला दिया और लाइन के बारे में तमाम चीज़ें उन्होंने पूछी, बंद कमरे में, अपना ओपन कोर्ट में। उस 300 सफ़े की रिपोर्ट में एक धेले की उसमें करप्शन की बात नहीं हुई, अल्लाह ताला के फजल करम से। उसके बाद फिर मगर उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर कहा कि ये अपना ये आती है चुंगी आती है और वो अपना शालमार आता है और फना, तो उसमें उन्होंने कहा। फिर हम अपील में गए, अपील में 8 महीने वो अपील सुनकर फैसला ना आया। और साकिब निसार साहब ने फिर उसकी वजह से उनको रोका ताकि ये मंसूबा लगे ना। भाई मुझे भाड़ में जाए क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है, मिल जाता है, अवाम का मामला था, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही थी, एक गरीब को, एक तालिबे इल्म को, एक उस्ताद को, एक डिश वॉशर को, एक बेवा को, एक क्लार्क को, एक टीचर को, एक स्टूडेंट को। 2 साल ताखीर हुई, क्या निकला उसमें? और फिर आपको अच्छी तरह इल्म है कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट में साकिब निसार साहब ने 2 मरतबा बुलवाया और एक दफ़ा कहा कि आपने क्या किया। मैंने कहा ये बिजली के मंसूबे लगाए, कहीं हमें तो नज़र नहीं आ रहे। मैंने कहा ठंडे कमरे में आप ऐसे बैठे हैं, तो वो फिर चुप हो गए। उसके बाद पी के एल आई का उन्होंने और 56 कंपनियाँ, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, क्या क्या इल्जाम लगे 2018 में। आज 2024 का इलेक्शन है, वो 2018 का वो मंजरनामा दिलखराश आप देख लें कि क्या क्या इल्जाम लगे। उसके बावजूद भी हम जीत गए थे अलग मतलब क्रम से, नवाज शरीफ जीत गया था, PMLN जीत गई थी, पाकिस्तान जीत गया था, मगर फिर उस रात को वोट को दोबारा चुराया गया। कि ये हैं वो हकायक, इसको कोई नहीं छुपा सकता, इसको कोई नहीं चुरा सकता, ये आपके सामने हैं। और मैं समझता हूँ कि इन हकायक को अगर आप सामने रखेंगे और दिल से फैसला करेंगे तो फिर आप 8 तारीख को जो आपका फैसला होगा इंशाल्लाह उस फैसले को हम दिल से हम कबूल करेंगे अल्लाह ताला की मदद करें। देखिए इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक हासिल है। बिलावल लजारी साहब मेरे, मैंने उनके साथ 16 महीने काम किया, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात रहे। वो इलेक्शन लाहौर से लड़ें, वो मियाँ वाली से लड़ें, कराची से लड़ें, उनका हक है। कोटा से लड़ें, पेशावर से, उनका हक है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जहाँ कहीं भी अगर पैसे बांट कर और शिनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। वो वोट की इज्जत नहीं, वोट की बदतरीन तौहीन है। और इसलिए नवाज शरीफ ने कहा था कि वोट को इज्जत दो, ये वोट को हमको की तौकीर करने की बात नहीं है, बेतौकीरी की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी इलेक्शन लड़े, कोई भी, मैं हूँ या साद रफीक साहब हूँ या अता दारड साहब हूँ, कोई हो, अपना आप अपनी कैंपेन करें, पूरा आप हक आपको हासिल है। आप जाएं अपने मजयन करें, आप लगाएं अपने पोस्टर लगाएं, आप फ्लेक्सर लगाएं, जो चाहें करें, टेलीविजन पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर, आपका हक है। पूरी कैंपेन करें, अपना मुकदमा पेश करें। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ कि ये वोट को इज्जत देने की बात नहीं है, उसकी तौहीन है। मैंने ज़िंदगी रही अल्लाह ताला के फज़ल करम से नवाज शरीफ की लीडरशिप में खिदमत कर ली है, और वो अगर खिदमत अल्लाह ताला उसका मौका देता है तो उसकी बड़ी करुणनवाजी होगी। पाकिस्तान का माशरा किस तरफ जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने जो रिपोर्ट दी है साबित हो गया चोर कौन है, साबित हो गया। अब मैं PTI के जो दोस्त और भाई हैं उनको कहूँगा कि वो PTI को वोट देने के बजाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वोट दें। उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने साबित कर दिया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया,
ये जो दूसरी बात आपने की है ये इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है कि किस तरीके से ख्वातीन को मरियम औरंगज़ेब को लंदन में जो किया गया जदोकोह पर किस तरह सामने आकर जो अपना एथनिक बाल सामने और बेशुमार ये वो खतरे की घंटी है जिसका हमें एहसास करना चाहिए और जिसका मैं समझता हूँ कि इतना कभी किरदार है पीटीआई के बानी का जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुझे याद नहीं कोई माजी में कि सियासतदान चाहे इलेक्शन कैंपेन में वैसे भी कितने भी आपस में तू तो करार कर लेते थे तलख बात भी हो जाती थी शादी ब्याह में मिलते थे गमी खुशी में मिलते थे हाथ मिलाते थे। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि पार्लियामेंट में एक लीडर ऑफ द हाउस हो और लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस चोर दरवाजे से अंदर आए ताकि उसको मुझे हाथ ना मिलाना पड़े। मुझे कब शौक था आपसे हाथ मिलाने का, मुझे तो ये था कि आप जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की मैंने तजवीज़ दी थी उसके ऊपर बात करते, उससे उसके ऊपर आप हाँ करते और कौम को आगे लेकर जाते। ख़त जो वज़ीर आज़म उस वक्त का लिखे लीडर ऑफ द अपोजिशन को, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम भी अपना मेंशन ना करे और उसके बगैर ही, इससे बड़ी एक मैं समझता हूँ कि रौनत तकब्बर की और क्या बात हो सकती है। अल्लाह करे कि हम सब मिलकर इस माशरे में जो जहर घोला गया है उसका खात्मा कर सकें। हकायक की बर्बाद की है, उसकी टाइमिंग देखना गैब की तरफ से हुआ है, गैब की तरफ से। देखिए कि 8 तारीख को शाम को जो आवाम का फैसला होगा उसके उसके सामने रखकर जो मैंडेट आवाम देंगे पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मेरी पार्टी के जो कायद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ, वो फिर अपना उस मैंडेट को सामने रखकर पार्टी के अकाबरीन से मुशावरत करेंगे और उसका फैसला करेंगे। भाई माइक दो, भाई माइक की जरूरत है, आपको माइक की जरूरत है? नहीं मेरे कान नहीं बज रहे। आप जरा थोड़ा समझा कर देखिए, ये उसी बात से जुड़ी हुई बात जो मैंने अभी की कि माशरे में एक जहर घोल दिया गया। मैं पिछले दिनों में जलसों में ये बात कर चुका हूँ कि 2014 अगस्त को जो लॉन्ग मार्च निकाला गया, क्या वो पाकिस्तान की तारीख का अनोखा तरीन लॉन्ग मार्च नहीं था? यानी 14 अगस्त को पूरी कौम, चाहे माजी में जो कुछ हुआ, वो एक ऐसा दिन होता है आज़ादी का, यौम आज़ादी, पूरी कौम बड़े खुशु के साथ खुशियाँ मनाती है, दिए जलाती है, जनाब आतिशबाजी होती है, एक जुलूस निकलते हैं, झंडे लेके चलते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं करते हैं और फिर अज़्म समीम के साथ दोबारा अहद करते हैं। उस दिन लॉन्ग मार्च निकाला गया उस हुकूमत के खिलाफ जो अवामी मैंडेट से आई थी। इससे एक और बड़ी कभी साजिश का कोई आप सोच सकते हैं? तो ये बात उसी से जुड़ी हुई है कि दिन रात चीखने चलाने से कि ये चोर हैं डाकू हैं सच साबित नहीं होता, झूठ सच साबित नहीं होता, सच आज साबित हो गया इन हकाइक की रोशनी में जो मैंने आपको अभी, अगर अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को ये मैंडेट दिया और अगर हमने, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ, कोई इसमें लगी लपटी नहीं है, हम मेहनत की, मिलकर मशावरत से दिन रात एक किए, कुर्बानी दी, पसीना खून बहाया, तो इंशाल्लाह ये शोर गोगा ये सब कुछ दफन हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता, सुन ले मेरी बात, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह हम ना कर सकें तो जो आप बात कर रहे हैं बदकिस्मती से वो बात हो जाएगी। देखिए अगर 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी को, अब 3 दिन रह गए हैं, 4 दिन, अगर वोट का तकद्दस, वोट का एहतराम किया गया, छोटी मोटी शिकायतें तो हर इलेक्शन में, वो तो अपने दुनिया के हर मुल्क में आती हैं, लेकिन अगर जनवरी इलेक्शन वहाँ पर फेयर हुआ और बैलेट बॉक्सेस जो 2018 में जो जाली तौर पर भरे गए सब पूरी दुनिया जानती है, आरटीएस बंद किया गया, और अगर वो सफ़र इस धांधली और झुरलू से उस सफ़र को ख़त्म ना किया जाता, तो आप यकीन करें कि आज पाकिस्तान
की तरक्की और खुशहाली आज आसमानों से बातें कर रही होती, खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ की लीडरशिप में। मैं ये बात एक इंतहाई आजी से मगर बड़े मैं तवक्कुल और एतमाद से बात कर रहा हूँ। और फिर आप देख लें, आज से 4-3 हफ्ते पहले आप लोग अखबारों में लिखते थे, टीवी पे आता था कि जी नवाज शरीफ तो घर में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ घर में बैठे हुए हैं, ये तो पर इलेक्शन अपना उनको जिताया जा रहा है। आज देख लें जलसों का रंग, कल हम अपने गुजरावाला में थे, ठाठे मारता हुआ समंदर था, पहलवानों का भी, नौजवानों का भी, बुज़ुर्गों का भी, तालिबे इल्मों का भी, बच्चियों का भी, बहनों का भी, फैसलाबाद, अपना राजनपुर, उधर जनूबी पंजाब में अहमदपुर शरकिया, इधर जफरबाद में, इधर सियालकोट में, तो इस मुंह बोलता सबूत है सवात में, ये मुंह बोलता सबूत है कि ठाठे मारता हुआ समंदर इंसानों का हर जगह मौजूद है। देखिए मेरे मेहरबान कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं कि मुनाज़रा होना चाहिए, मुनाज़रा होना चाहिए, और मैं तकरार से कह रहा था कि मुवाज़ना होना चाहिए, मुनाज़रा भी हो जाएगा। कल मुवाज़ना हो गया, कल जो कराची में, एक सेकंड बात सुन लें भाई, और भाई बात सुन लेना, मैं कल कराची में ठाठे मारता हुआ समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाज़रे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाज़रा हो जाएगा, मुवाज़ना कर लें, कल मुवाज़ना हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े अदब से, इंतज़ारी से, कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो लाहौर हमने छोड़ा था 2018 में, 2018 से लेके 22 तक उसकी ऐसी की तैसी कर दी गई, यानी रात को सड़कें धुलती थी, ये दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दुरुस्त है कि मैं गलत कह रहा हूँ? तो अगर ये दुरुस्त है, रात को सड़कें धुलती थी, वहाँ पर टैंकरों में पानी जाता है, यहाँ पर टैंकरों से सड़कें धुलती थी, और सुबह 7 बजे यूँ लगता था कि कोई आके जिन भूत आके सड़कें साफ कर गए, और शीशे की तरह कोई टूट फूट नहीं थी। 4 साल मैं सिर्फ लाहौर की क्यों मिसाल दे रहा हूँ कि एक केसरी पॉइंट वगैरह ना, आप राजनपुर चले जाएँ बेहतरीन अस्पताल बने हुए हैं, आप मुजफ्फरगढ़ चले जाएँ तैयब अरदवान अस्पताल बना हुआ, आप मुल्तान चले जाएँ निस्तर 2 बन चुका है, मुकम्मल हो चुका है, और ये सारे जो खिदमात हैं वो आपके सामने हैं। और उस 4 साल दौर में तबाही कर दी गई, तबाही। और फिर क्या हुआ कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक शानदार मॉडल बन चुका था, उसको तोड़ फोड़ दिया गया, और तुर्क जो हमारे भाई हैं जो कंपनी थी उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। क्यों? कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तुम अपना वादा माफ हुआ बन जाओगे, करप्शन उनको जी देला नहीं दिया। आप हम किस तरह ये कह सकते हैं? और आप जानते हैं वो केस अदालत में अभी भी मौजूद है, वो जो मुल्क से भगौड़ा हो गया, वो एक मोटा सा लड़का था, क्या नाम उसका मुझे नहीं, वो तो और था ना, वो तो बहुत मोटा है, गिल है कोई, वो पहला, चूंकि मेरा अपना नाम है इसलिए मैं नहीं ले रहा। तो वो केस, मैं कहता हूँ आज फैसला कर दें उस केस का वो जज, मैं मिन्नत करूँगा फैसला कर दें, खुदा ना खास्ते एक धेले की करप्शन मेरे खिलाफ हो जाए तो मैं सारे अपने कागजात नामजदगी वापस दे। और अब ये मुवाज़ना हो गया कराची और लाहौर का, अगर खुदा ना खास्ते ये सूरत गरी लाहौर में होती तो मैं बिलावल भाई को कहता आए मेरे हल्के लड़ने, मैं इलेक्शन छोड़ देता हूँ, मैंने नहीं दी। देखिए ये एक बात तय है कि इस मुल्क में जब तक यकसोई यगानगत और प्यार मोहब्बत को रिवाज दोबारा नहीं दिया जाएगा, ये जहर ख़त्म नहीं होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो कानूनी चारा जोई जो भी है उसको आप इसके लिबादे में उसको आप ढाम दें, ये नहीं मुमकिन। जो भी है, मैं हूँ, ये हैं, खुदा ना खास कोई और है, अगर कानून के सामने खड़ा होना एक बड़ी एहतराम की बात है, एक बात। दूसरी बात,
जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि यानी नवाज शरीफ वो लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें इतनी इंकसारी है, मुल्क का दर्द है। 21 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि मैं आया हूँ अपने सब माजी की तलखियाँ भुला कर आया हूँ, और मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, अपना मुकदमा मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैं सबसे मशावरत करके मैं इस कौम के जख्म पर मरहम रखना चाहता हूँ। यह बात बिल्कुल बुनियादी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मैंने एक वाक्य तो आपको सुना दिया, जब मैंने मिसाक मुंशद की बात की, पाया हकारत से ठुकरा दिया गया, जब हमने बात की कि आएँ कोविड के ऊपर इकट्ठे बैठे, मैं लंदन से आया अपनी तकरीर करके चले गए, जब मैंने पूछा कि जनाब कहाँ है वज़ीर आज़म, उनको जो उनको बड़ा ज़रूरी काम पड़ गया, मैंने कहा कोविड से भी ज़्यादा कोई ज़रूरी काम तुम हमें काहे के लिए बुलाया था। जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया फरवरी 2019 में, हम सब अपना जबर करके आए, कोई बात नहीं है, मुल्क की बात है या पाकिस्तान की सालमियत की बात है, अगर हमें जलील किया गया है, बड़े शदीद हम पर रकीक हमले किए, कोई बात नहीं, मुल्क के लिए हम इकट्ठा बैठेंगे। हम बैठे इनकी दावत पर, 1.5 घंटा इमरान न्याजी को सिपा सलार ने मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने और खुद अकेले आ गए। तो आप किससे बात कर रहे हैं? फैटफ के ऊपर हमने बेपनाह हमने तावन किया, ये बात हमें पता था कि क्रेडिट फाइन किन को मिलना है, बात क्रेडिट की नहीं थी, बात पाकिस्तान की नेक नामी की थी, पाकिस्तान की इज्जत की थी, पाकिस्तान के वकार की थी, और पाकिस्तान की इज्जत और वकार के सामने हर चीज़ हेश है, हर चीज़ कुर्बान है। जिस तरह हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया लेकिन रियासत को बचाया, मुझे उसके ऊपर अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी आजिज़ी से कहता हूँ कि बड़ा फ़ख्र है, रियासत बच गई तो हर चीज़ बच जाएगी। तो हमने उनको कब कहा कि हमारे साथ हुकूमत बनाएंगे? ये तो मफरूजे की बात ना, हमने तो आप मुझे बता देना, हमने इसको बात की है, ये बात सियासत नाम है ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो अगर एक क्लियर मैंडेट 8 फरवरी को अवाम देते हैं, जो कि मुझे लग रहा है इन जलसों के बाद, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अलग रहमत होगी। अगर क्लियर मैंडेट नहीं आता तो फिर बैठ के सोचेंगे इंशाल्लाह। देखिए एक बात वाज़े फ़र्क बता दूँ, 2018 के इलेक्शन में या उसके बाद क्या हुआ, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको रुलाऊंगा, मियां नवाज शरीफ ने कभी ऐसी बात नहीं की, मेरी पार्टी की किसी साथी ने ऐसी बात नहीं की, हम सोच नहीं सकते ऐसी बात करने का। मैं समझता हूँ कि ये इस बाप इस मुल्क की तारीख में अब दोबारा ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें इस मुल्क में सुलह मोहब्बत आतशी और हमें ये गानगत यकसुई के साथ चलना है। कितने हमालिया नुमा चैलेंजेस हैं, चाहे वो माश का है, समाज का है, माशरत का है, सियासत का है, खारजी ताल्लुकात का है, ये कोई एक पार्टी मिलकर ये नहीं कर सकती। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि एक सिंपल मेजॉरिटी किसी हद किसी पार्टी को अल्लाह ताला दे, हमें देगा तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कमाल मेहरबानी होगी, लेकिन तो उसके बावजूद भी हम मशावरत के साथ चलेंगे, पार्लियामेंट में मशावरत करेंगे, उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। इदारे भी शामिल हैं, सबको अपने आइनी दायरे में रहकर एक दूसरे के साथ तावन करना होगा। नहीं, मैं यहाँ पर ये लुगाटे बेच रहा हूँ, यही तो मैंने बात की आपसे कि भाई मोहब्बत और खुद एक सुई को आगे लेके चलें, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो बात आपने जो की है, ये वाकई ऐसे हुए, मुझे आप बता दें कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18, मैं बिल्कुल बिला खौफ तरदीद बात कर रहा हूँ इंतहाई आजी से, वफाक पे हमारा मैंडेट था, पंजाब में मैंडेट था, क्या कोई एक सियासी कैदी को आप नाम ले दें मुझे तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूँगा, एक सियासी कैदी। इसी रवायत को हमने आगे लेकर चलना है। देखिए कि ये जो सजाएं जो आप इनकी बात करें, ये अदालत के फैसले हैं और उनके जो फैसले जो लिखे गए हैं, ये लिखे जा रहे हैं, उनमें से उसका जवाब ढूंढें। मैं ये कहना चाहता हूँ और ये मुसलमान बात कि किसी के ख़िलाफ़ कोई
झूठा मुकदमा बनाने की रवायत ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ सहा है 2018 से पहले से लेके 2022 तक, वो रवायात का खात्मा होना चाहिए। लेकिन मैंने जो अपने इब्तदाई में जो आपको हकायक बताए हैं, उससे हटकर ये अगर मैं कहूँ तो क्या ये हकीकत नहीं है कि खाना काबा के मॉडल की घड़ी को बेचा गया और वो इस्लामाबाद का दुकानदार जिसकी रसीदें कई हफ्ते दिखाई जाती रहीं, बिलाखर वो झूठी फ्रॉड साबित हुई और एक दुबई का कोई दुकानदार है उसने टीवी पे आके देखा, मैंने भी देखा था, आपने देखा होगा, कुछ मैंने ये $2 मिलियन में, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर में ये घड़ी ख़रीदी। और फिर उसकी जो तखमीने लगे, एक बात, फिर डिक्लेरेशन ना होना। मगर सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो अलमिया है कि अगर एक साहब कहें कि $300 अरब इस मुल्क से चला गया है, मैं एक एक पाई लेके आऊँगा, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपके बच्चे अंदर पढ़ते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन वो छोड़ दें इस बात को, और ये अपना ख़जाना लूट के मुल्क से बाहर ले गए हैं और ये अपना मुल्क को इन्होंने कंगाल कर दिया है, मैं $300 अरब लेके आऊँगा और 90 दिन में मैं करप्शन का खात्मा कर दूँगा, और मैं अपना और फिर उनके एक का जो हवारी हैं हमारी थी, उन्होंने कहा जी कि IMF के मुंह पे $100 बिलियन उसके मुंह पे मारेंगे और पता नहीं $100 बिलियन किसके मुंह पे अवाम पे खर्च करेंगे, वो खर्च करेंगे। मुझे बताएं आपका केस में ग्रामी गौर भट, आप गौर भी हैं और भट भी हैं माशाल्लाह। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये वो मामला है कि वो तो दूर की बात है, एक ढेला भी आना जो 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने, जो पर उनकी स्टेटमेंट आई कि ये पैसा हम पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया, वो किस अकाउंट में गया, काबीना से बददियानती किसने करवाई, बंद लिफाफे के ऊपर फैसला किसने करवाया काबीना से, अपना जबरन, वो बंद लिफाफे में कोई भी चीज़ हो सकती थी, खुदा न खास्ता कश्मीर का सौदा हो सकता था, खुदा न खास्ता हमारे पानी का सौदा हो सकता था, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, एटमी ताकत का वो खात्मा हो सकता था, सौदा हो सकता था, इस तरह की सीना जोरी, इस तरह का फ्रॉड। इसलिए मैंने कहा है कि अब तहरीक इंसाफ को चाहिए, इंसाफ का भी तकाजा है कि वो PTI के वोटर्स, PTI नहीं बल्कि TI को वोट दें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। बस आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत जी एक सवाल मरियम एक एक सवाल जी बस एक सेकंड बैठ जाएंगे, एक सेकंड आखिरी सवाल जी, उनका सवाल है ना, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मैंने कहा है कि नफरत और इंतकाम की और झूठ की सियासत का खात्मा होना चाहिए, बहुत शुक्रिया। देखिए कि ये बात पार्लियामान अगली हुकूमत के ऊपर, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को कानून के दायरे में रहकर मुल्क को चलाएं और एहतसाब का निज़ाम इंतकाम पर मबनी ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। साकिब निसार की आपने बात की, ये PKLI की, भाई ज़रा खामोशी इख्तियार करें, PKLI की जो तहकीक हो रही थी, उन्होंने नैब भी मौजूद थी, ये जो होता है प्रोविंशियल एंटी करप्शन का इदारा भी मौजूद था, उन्होंने जो लाहौर कोर का जो होते हैं ऑडिटर जो भी इनका नाम है, उनके जिम्मे किया कि आप शहबाज शरीफ से इसकी तहकीक करें। ये थी वो आग नफरत की कि PKLI एक लाखों लोगों की लिए मसीहा बनाया अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ की क़यादत में, जहाँ पर गरीबों का मिसाने का और गुर्दे का मुफ्त इलाज हो, पेमेंट कारी हो,
उसको बर्बाद करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इसका खात्मा होना चाहिए। थैंक यू।